रूस यूक्रेन के एक के बाद एक इलाकों पर तेजी से कब्जा करता जा रहा है और यूक्रेन को उसके मददगार जरूरत के वक्त हथियार तक नहीं दे पाए। अमेरिका जैसे बड़े और ताकतवर समर्थक होने के बाद भी यूक्रेन युद्ध के मैदान में लगातार कमजोर हुआ है। हालांकि देखने में ये भले ही यूक्रेन की कमजोरी दिखे, लेकिन यदि यूक्रेन हारता है और युद्ध में पिछड़ता है तो ये कहीं न कहीं अमेरिका की रणनीतिक हार होगी। दरअसल ये साफ है कि यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है और अमेरिका उसे सैन्य हथियारों से लेकर हर तरह की मदद दे रहा है। बस कमी सिर्फ इतनी है कि जब यूक्रेन को मदद की जरूरत होती है उस वक्त उसके पास मदद नहीं पहुंच पाती। हालांकि अंदर ही अंदर यूक्रेन को भी इस बात का एहसास जरूर हो गया है कि अमेरिका कहने के लिए भले ही संपन्न और ताकतवर देश है, लेकिन यूक्रेन की जरूरत के वक्त वो असल में उसकी मदद नहीं कर पाया। नहीं तो एक समय युद्ध के मैदान में बढ़त बनाए हुए यूक्रेन की ऐसी हालत कभी न होती कि रूस एक के बाद एक यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करता जाए। यूक्रेन का एक दूसरा मददगार ब्रिटेन तो लगभग गायब सा ही रहा। बड़े नाम वाले देशों ने भले ही यूक्रेन की पर्याप्त मदद न की हो, लेकिन कई नेटो सहयोगी देशों ने यूक्रेन को काफी हिम्मत दी। अब एक नेटो सहयोगी एस्टोनिया यूक्रेन की मदद के लिए उसकी धरती पर सेना भेजने पर विचार कर रहा है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी ऐसा विचार व्यक्त कर चुके हैं। एस्टोनिया का आगे आना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्न है क्योंकि वो रूस के साथ 545 मील की सीमा साझा करता है और वो गैर लड़ाकू भूमिकाओं के लिए पश्चिमी यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। एस्टोनियाई राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मैडिस रोल ने इसी हफ्ते ये जानकारी दी है। रोल ने कहा कि हमें सभी संभावनाओं पर गौर करना चाहिए। उनके मुताबिक यूक्रेन के मदद की बात को हमें सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एस्टोनिया व्यापक नेटो मिशन के हिस्से के रूप में होने वाली किसी भी तैनाती को प्राथमिकता देगा। उनके मुताबिक ये प्रयास एक व्यापक संयुक्त ताकत और दृढ़ संकल्प को दिखाएगा। रोल के बयानों को बढ़ चढ़कर यूक्रेन का साथ देने वाले नए बयानों के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले मैक्रों पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यूक्रेन की धरती पर नेटो सैनिकों के तैनाती की संभावना जताई थी। उनके विचारों को नेटो के बाल्टिक सदस्यों का समर्थन मिला था। मैक्रों अभी भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में भी कहा कि अगर रूसी सेना अग्रिम पंक्ति में घुसती है तो फ्रांस यूक्रेन में सेना भेजने पर विचार करेगा। मार्च में पोलैंड के उप विदेश मंत्री आंद्रे सजेना ने भी कहा था कि यदि यूक्रेन पर बमबारी के लिए रूस मित्र देशों के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करता है तो उनका देश उन रूसी मिसाइलों को मार गिरा सकता है। जर्मन राजनीतिक नेताओं ने इस महीने इसी तरह का एक प्रस्ताव दिया था जिसमें सुझाया गया था कि पोलैंड और रोमानिया में स्थित नेटो वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेन में लगभग 45 मील तक एक सुरक्षित क्षेत्र बना सकती है। आपको बता दें कि कुछ ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक पहले से यूक्रेनी सैनिकों की सहायता के लिए यूक्रेन में मौजूद हैं। यूक्रेन के साथ खड़े होने वाले और उसे सैन्य हथियार देने वाले देशों को रूस ने चेतावनी भी दी है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमने बार बार कहा कि नेटो देशों की सेना द्वारा इस युद्ध में हस्तक्षेप से भारी खतरा पैदा हो सकता है। रूस ने इसे उकसावे वाला कदम बताया है। रूस का कहना है कि वो इसे बहुत गौर से देख रहा है।